हेलो एवरीवन, आज हम अपने सेवन्थ चैप्टर की नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार द मैट्रिक्स स्पेसेस एंड एफ बी अ फंक्शन ऑफ एक्स इनटू वाई, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स व्हेन एवर जी इज ओपन इन वाई। मीन्स आपको इफ एंड ओनली इफ थ्योरम प्रूव करनी है, दोनों तरफ से करनी है। एक बारी तो आप लेके चलोगे एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, और आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सेट इज़ ओपन। मीन्स अगर आप जी को ओपन उठाओ वाई में से, तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो कहाँ जाएगी, एक्स में। सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिक्स स्पेसेस। आप यहाँ से एक फंक्शन सेट उठाओगे जी, दैट इज ओपन सेट, आप इसकी इनवर्स इमेज निकालोगे, इनवर्स इमेज कहाँ जाएगी, एक्स में जाएगी, दैट इज एफ इनवर्स जी। आपको इसको भी ओपन प्रूव करना है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट टाइम में आपको दो कंडीशंस गिवन है, एक तो एफ कॉन्टिन्यूस गिवन है, दूसरा जी ओपन गिवन है। आपको प्रूव करना है एफ इनवर्स जी भी ओपन होगा। सेकंड में आपको गिवन है कि फॉर जी ओपन, एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स, यू हैव टू प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले लेट एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स डी एंड लेट जी बी यानी ओपन सबसेट ऑफ वाई। दोनों चीज़ें हमें जो गिवन थी हमने वो कंसिडर कर ली, एफ कॉन्टिन्यूस गिवन था, जी ओपन गिवन था। हमें प्रूव करना है एफ इनवर्स जी इज़ ओपन इन एक्स। अब किसी भी सेट को ओपन प्रूव करना है तो सबसे पहले दो मेन कंडीशन आती हैं, या तो वो सेट एम्प्टी होगा या वो सेट नॉन एम्प्टी होगा। अगर सेट एम्प्टी हुआ तब तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास ट्रिवियली ओपन हो जाएगा। इफ़ एफ इनवर्स जी इज़ एम्प्टी, इट इज़ क्लियरली ओपन। बट इफ एफ इनवर्स जी इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, लेट ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी। अब अगर ए एफ इनवर्स जी में है तो यहाँ से एफ ऑफ ए कहाँ चला जाएगा, जी में चला जाएगा। लेकिन जी तो कैसा गिवन है, जी इज एन ओपन सेट, ओपन है तो क्या होगा, और ओपन भी कहाँ है, वाई में है, ठीक है। तो इस फंक्शंस में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर एक्स में ए टाइप के एलिमेंट है तो वाई में कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ऑफ ए टाइप के एलिमेंट होंगे। तो जी ओपन एफ ऑफ ए में है, और ओपन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई सेट ओपन है तो वो किसी न किसी ओपन स्फीयर को कंटेन करेगा। तो आपके पास एक ओपन स्फीयर आएगा एस विद सेंटर एफ ऑफ ए। अब ये पता है ना एफ ए सेंटर क्यों आया, क्योंकि वो आपके पास वाई का ओपन स्फीयर है और y में f of a टाइप की एलिमेंट है। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर s f of a कॉमा एप्सिलॉन सच दैट g कंटेन्स दिस ओपन स्फीयर, बिकॉज़ g इज ओपन तो वो एक ओपन स्फीयर को कंटेन करेगा। अब दूसरी कंडीशन हमें गिवन है एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है ए पॉइंट पे। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन भी हमने कल करी थी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो आपके पास एक ओपन स्फीयर की इमेज कंटेन होगी स्फीयर में, ठीक है, ओपन स्फीयर की इमेज कंटेंड होगी स्फीयर में। तो यहाँ पे लगा दो, क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस है तो इस ओपन स्फीयर की इमेज कंटेन हो जाएगी स्फीयर में, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस से देखो, एफ ऑफ एस ए डेल्टा कंटेंड है इसमें, और ये अगेन कंटेंड है जी में। तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट से आ जाएगा, एक स्फीयर की इमेज इज कंटेंड इन जी, यहाँ से स्फीयर क्या हो जाएगा, कंटेंड इन एफ इनवर्स जी। मीन्स एफ इनवर्स जी एक स्फीयर को कंटेन करता है, ओपन स्फीयर को कंटेन करता है, तो एफ इनवर्स जी कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। कन्वर्सली सपोज दैट इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सेट इज ओपन, सपोज फॉर जी ओपन इन वाई एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स, ठीक है। ये लेके चलेंगे, प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, ए एक्स में है और एक ओपन स्फीयर कंसिडर कर लो वाई में, कंसिडर द ओपन स्फीयर एस एफ ऑफ ए कॉमा एप्सिलॉन। अब ये ओपन स्फीयर है वाई में, देन बाय गिवन अजम्पशन जब भी वाई में से कोई ओपन सेट उठाओगे उसकी इनवर्स इमेज कहाँ ओपन होगी, एक्स में। तो ये ओपन है वाई में तो इसकी इनवर्स इमेज कहाँ ओपन होगी, एक्स में। तो इसकी इनवर्स इमेज उठा ली एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए कॉमा एप्सिलॉन, दिस इज ओपन। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ओपन इन एक्स, या फिर ओपन करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब अगर ये ओपन है, यहाँ से हम एक ए उठाएं, ओपन इन एक्स है ना, और ए बी एक्स का एलिमेंट है, तो ये ए इसमें चला जाएगा, ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब क्योंकि ये ओपन है तो ये ओपन स्फीयर को कंटेन करेगा, तो एक ओपन स्फीयर आ गया एस ए डेल्टा कंटेन इन एफ इनवर्स ऑफ दिस। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस ए डेल्टा इज कंटेन इन एस एफ ए एप्सिलॉन, मीन्स एक स्फीयर की इमेज कंटेन हो गई स्फीयर में। तो ये किसकी डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, यानी कि एफ कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस एट ए हो गया। और क्योंकि ए
हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था, तो ये कंडीशन आपके एक्स के सारे पॉइंट्स के लिए होल्ड करेगी, इट मीन्स एफ आपके पास कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मेट्रिक स्पेसिस एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ आपने ओपन के लिए किया था, सेम काम आपको क्लोज्ड के लिए करना है। अब यहाँ भी वही बात है, अगर जी का कोई वाई का कोई सबसेट है जो क्लोज्ड है, तो उसकी इनवर्स इमेज जो होगी एफ इनवर्स जी, वो भी क्लोज्ड होगी कहाँ पे, एक्स में क्लोज्ड होगी। और अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो आपके पास ये कंडीशंस होल्ड करेंगी। ठीक है, फर्स्टली सपोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस और एक क्लोज्ड सेट उठा लिया वाई का। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि इस क्लोज्ड सेट की जो इनवर्स इमेज है वो भी क्लोज्ड है। अब क्योंकि गिवन है एफ क्लोज्ड, क्लोज्ड की डेफिनेशन क्या कहती है कि जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो भी ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट आप अभी तक यही करते आए हो एक्स माइनस एफ, बट दिस एफ इज अ सबसेट ऑफ वाई, वाई का सबसेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी कहाँ से होगा, वाई में से इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब क्योंकि एफ क्लोज्ड है, वट दिस इम्प्लाइज वाई माइनस एफ दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज ओपन। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो बाय द लास्ट थ्योरम अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन होती है। तो ये ओपन है, इसकी इनवर्स इमेज लोगे वो भी ओपन होगी, और ओपन कहाँ होगी, एक्स में ओपन होगी। ठीक है, अब इसकी कंसिडर कर लो एफ इनवर्स वाई माइनस एफ, क्योंकि फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स ऑफ एफ, एंड एफ इनवर्स ऑफ वाई अगर यहाँ से फंक्शन एक्स टू वाई है, यानी कि वाई की इनवर्स इमेज क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स माइनस एफ इनवर्स ऑफ एफ। ये क्या बन गया, एक तरह से इस एफ इनवर्स एफ का कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास कैसा है, ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ओपन है, दिस इज ओपन, तो ये भी ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। ये ओपन है यानी कि कॉम्प्लीमेंट है फंक्शन का, तो ये कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्सली सपोज दैट इनवर्स इमेज ऑफ अ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, आपको प्रूव करना है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट जी बी एन ओपन सबसेट ऑफ वाई, जी को ओपन उठा लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे वाई में से, तो वो कैसा हो जाएगा, क्लोज। देखो ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, तो यहाँ से ये क्लोज्ड हो गया। और कंडीशन गिवन क्या है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड होगी, तो इसकी इनवर्स इमेज भी कैसी हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। इसकी इनवर्स इमेज क्या है, वाई माइनस जी, एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स जी, और एफ इनवर्स वाई क्या है, एक्स। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्लोज्ड है तो ये भी क्लोज्ड होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इस सेट का क्लोज्ड है, तो ये सेट अपने आप में कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सेट अपने आप में ओपन हो गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सेट इज ओपन। जैसे आपने यहाँ से लिया इनवर्स इमेज, आपने ओपन उठाया था ना वाई से, तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और अगर इनवर्स इमेज ओपन है देन बाय द लास्ट थ्योरम आपके पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, हैंस द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू, इफ आर डी इज अ मेट्रिक स्पेस एंड एफ बी अ फंक्शन आर इन टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो, इज एफ कॉन्टिन्यूस और नॉट। आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आप अपनी लास्ट वाली दोनों थ्योरम्स में से कुछ भी यूज कर सकते हो। चाहे तो आप एक ओपन सेट उठा लो, चाहे एक क्लोज्ड सेट उठा लो, और उसकी इनवर्स इमेज देखो। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, एक ओपन सेट उठा लिया, ओपन सेट उठाया, एनी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। देखो फंक्शन हमारे पास 1, 0 माइनस 1 वैल्यू ले रहा है, तो इसमें से हमने एक इंटरवल उठा लिया माइनस 1/2 से 1/2, दिस इज ओपन। आपको इसकी इनवर्स इमेज की बात करनी है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स जी, इनवर्स इमेज ऑफ जी क्या आएगी आपके पास, सिंगलटन 0। अब क्योंकि ना तो 1g में है ना -1g में है, बट सिंगलटन 0, सिंगलटन सेट हमेशा कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, तो इनवर्स इमेज कैसी आ गई, क्लोज्ड, लेकिन सेट कैसा था, ओपन था। तो अगर ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन आती तो कॉन्टिन्यूस होता, लेकिन ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्लोज्ड आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, एंड हैंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, लेट एक्स डी बी एन इन्फाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, प्रूव दैट एवरी फंक्शन f from xd to any metric space yd star is continuous। आपके पास एक discrete metric space given है, discrete metric की definition आनी चाहिए सबको। discrete metric की definition क्या होगी, dxy 0 अगर x equal to y है, 1 अगर x not equal to y है। ठीक है,
फंक्शन डिफाइन कर लिया एक्स टी टू वाई डी स्टार, आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. कॉन्टिन्यूस, अब देखो लास्ट वाले चैप्टर में हमने करा था डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का, कोई भी सबसेट उठाओगे वो ओपन भी होता है एज वेल एज क्लोज्ड भी होता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें पता है एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन. ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है तो उसका जो भी सबसेट उठाओगे वो हमेशा ओपन रहेगा. तो अब हम क्या करते हैं, वाई का ओपन सेट उठाते हैं और उसकी इनवर्स इमेज देखते हैं. लेट जी सबसेट ऑफ वाई इज ओपन. जी हमने वाई का सबसेट उठा लिया, ओपन हो गया. उसकी इनवर्स इमेज कहाँ जाएगी, एक्स में जाएगी. यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जी कहाँ चली गई, एक्स में चली गई. तो एफ इनवर्स जी क्या बन गया, सबसेट ऑफ एक्स बन गया. और एक्स के सारे सबसेट कैसे हैं, ओपन है. तो एफ इनवर्स जी भी कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. इट मीन्स वाई के हर एक ओपन सेट के लिए x का हर एक ओपन सेट ओपन आ रहा है, मतलब x का हर सेट ओपन आ रहा है. तो इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन हो गया. देन बाय द लास्ट थ्योरम फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मैट्रिक्स स्पेसेस एंड लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन इन एफ ए होल क्लोजर. देखो ये थ्योरम्स करने के लिए आपको पिछले वाले सारे रिजल्ट्स आने चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेट क्लोज्ड होता है और उसका क्लोजर उसके इक्वल हो जाता है. ठीक है, ये चीज़ आपको पता है. दूसरी, क्लोजर जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेट होता है कंटेनिंग ए. ये वाली थ्योरम भी हमने करके आई है. तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले देखो, इफ एंड ओनली थ्योरम है, लेट अस सपोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ए हमने सबसेट उठा लिया एक्स का. हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन इन एफ ए होल क्लोजर. या फिर आप ये भी कह सकते हो, हमें ये प्रूव करना है दैट ए क्लोजर इज कंटेन इन एफ इनवर्स एफ ऑफ ए होल क्लोजर. ठीक है, अब देखो क्लोजर जब भी किसी सेट का लेते हो, ये भी थ्योरम हम करके आए हैं ना कि ए क्लोजर कैसा होता है, क्लोज्ड सेट होता है. तो ये पिछले वाले सारे रिजल्ट्स आपको रिकॉल करने पड़ेंगे. आपको पता है ए क्लोजर क्लोज्ड होता है, तो एफ ऑफ ए क्लोजर ये भी क्लोजर है, तो ये भी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा. और फंक्शन कैसा गिवन है, कॉन्टिन्यूस. देन बाय द लास्ट थ्योरम, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्लोज्ड सेट की इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड होगी. तो इस सेट की इनवर्स इमेज कैसी हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी. और अगर इनवर्स इमेज क्लोज्ड है तो क्या होता है, किसी सेट को जो भी क्लोज्ड होता है उसका क्लोजर उसी के इक्वल आ जाता है. तो अगर ये सेट क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर करोगे वो इटसेल्फ इसी के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिया. अब उसके बाद हम अपना दूसरा रिजल्ट यूज़ करते हैं. हमें पता है कि कोई भी सेट होता है वो अपने क्लोजर में कंटेंड होता है. तो अगर एफ ए आपके पास एक सेट है तो एफ ए कहाँ कंटेंड होगा, एफ ऑफ ए क्लोजर में कंटेंड होगा. यहाँ से अगर आप ए निकालो, दोनों तरफ इनवर्स लो, तो क्या हो जाएगा, ए इज कंटेंड इन एफ इनवर्स एफ ए होल क्लोजर. ठीक है, टेकिंग क्लोजर बोथ साइड, क्योंकि ये रिजल्ट भी आपको पता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर. टेकिंग क्लोजर ऑन बोथ साइड, ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए होल क्लोजर. और एफ इनवर्स एफ ऑफ ए होल क्लोजर किसके इक्वल है, एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर को. इसको यहाँ यूज कर लो तो ये आपके पास बन जाएगा ए क्लोजर इज कंटेंड इन एफ इनवर्स एफ ए होल क्लोजर. यहाँ से अगर आप दोनों तरफ एफ अप्लाई करोगे तो एफ ए क्लोजर इज कंटेंड इन एफ ए होल क्लोजर हो जाएगा. यही आपको प्रूव करना था. कन्वर्सली आपको ये कंडीशन गिवन है, आपको प्रूव करना है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे, आपके पास दो थ्योरम्स है. या तो प्रूव करोगे कि अगर किसी ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी ओपन है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, या फिर प्रूव करोगे कि अगर किसी क्लोज्ड सेट की इनवर्स इमेज क्लोज्ड है तब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. तो हम क्लोज्ड वाला यूज़ करके चलते हैं, क्योंकि ऊपर सारा काम क्लोजर में चल रहा है, तो क्लोज्ड वाली थ्योरम से इसको प्रूव करेंगे. तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक क्लोज्ड सेट उठाना पड़ेगा, उसकी इनवर्स इमेज की बात करेंगे. अगर इनवर्स इमेज क्लोज्ड आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. तो उठा लो सबसे पहले, लेट बी बी यानी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई. अब बी क्लोज्ड है, आपको पता है कोई भी सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल हो जाता है. ठीक है, बी क्लोजर इज इक्वल टू बी. व्हाट दिस इंप्लाइज, एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बी. ठीक है, अब आपके पास जो हाइपोथेसिस गिवन है, ये वाली चीज गिवन है ना, इसमें ए की जगह यूज कर लो एफ इनवर्स बी. तो ए की जगह पुट करो एफ इनवर्स बी, क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स बी क्लोजर. और इधर बन जाएगा कंटेंड इन एफ ऑफ एफ इनवर्स बी होल क्लोजर बन जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, मीन्स एफ इनवर्स बी क्लोजर इज कंटेंड इन बी क्लोजर ओनली बचेगा. और बी क्लोजर इज इक्वल टू बी है हमारे पास, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी क्लोजर इज कंटेंड इन बी आ गया. टेकिंग एफ इनवर्स बोथ साइड, यहां से आपके पास एफ इनवर्स से ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ इनवर्स बी क्लोजर कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ऑफ बी आपके पास आ जाएगा. ठीक है,
यहाँ से आपके पास क्या बन गया, एफ इनवर्स बी होल क्लोजर इज कंटेनिंग एफ इनवर्स बी, बट आपको ये भी पता है हर एक सेट अपने क्लोजर में कंटेंड होता है, ये वाला सेकंड स्टेप, हर एक स्टेप अपने क्लोजर में कंटेंड होता है, तो एफ इनवर्स बी भी कहाँ कंटेंड होगा, अपने क्लोजर में कंटेंड होगा, देन बाई दोनों इन कंटेनमेंट से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने से क्या हुआ, एक सेट का क्लोजर खुद उसके इक्वल आ गया, और जब भी सेट का क्लोजर सेट के इक्वल आता है तो वो सेट कैसा हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। तो एफ इनवर्स बी कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया, तो बी क्लोज्ड था, एफ इनवर्स बी क्लोज्ड आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस मैप ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी इंटू अनदर मैट्रिक्स स्पेस वाई डी स्टार, देन फॉर एवरी सबसेट बी इन वाई वी हैव एफ इनवर्स बी क्लोजर इज कंटेन इन एफ इनवर्स बी क्लोजर, एफ इनवर्स बी होल इंटीरियर कंटेन्ड एफ इनवर्स बी इंटीरियर। ठीक है, आपको यहाँ भी ये प्रूव करना है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं, पहला तो काम तो ये करना है। फिर उसने बोला है कन्वर्सली में इफ़ आइदर वन ऑफ द कंडीशन, कि अगर दोनों में से कोई भी एक होल्ड कर जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे तब तो ये दोनों दिखानी है, फिर इन दोनों में से एक भी उठा के चलेंगे हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो सबसे पहले कंसिडर कर लो, लेट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, पहले पार्ट में दिखाना है क्लोजर, ठीक है, तो क्लोजर वाला सेट ही उठा लो, बी क्लोजर उठा लो, बी क्लोजर उठाएंगे, क्लोजर है तो क्लोज तो होगा ही ऑब्वियसली, सिंस बी क्लोजर इज क्लोज्ड इन वाई, और फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो क्लोज्ड सेट की इनवर्स इमेज कैसी होगी, क्लोज्ड होगी, मींस एफ इनवर्स बी क्लोजर भी कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा एक्स में। और अगर एफ इनवर्स बी क्लोजर क्लोज्ड है तो इस पूरे सेट का क्लोजर इसी के इक्वल आ जाएगा, मींस एफ इनवर्स बी क्लोजर होल क्लोजर इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी क्लोजर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात, हर एक सेट का जो क्लोजर होता है वो अपने सेट को कंटेन करता है, यानी कि बी कंटेनिंग बी क्लोजर होगा, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, एफ इनवर्स बी इज कंटेन इन एफ इनवर्स बी क्लोजर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये थ्योरम भी पता है, अगर ए बी में कंटेंड है तो व्हाट दिस इंप्लाइज, ए क्लोजर इज कंटेन इन बी क्लोजर, तो यहाँ से अगर ये ए इसमें कंटेंड है तो इसका होल क्लोजर कंटेंड हो जाएगा एफ इनवर्स बी क्लोजर होल क्लोजर। ठीक है, और एफ इनवर्स बी क्लोजर होल क्लोजर इक्वल है एफ इनवर्स बी क्लोजर के, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एफ इनवर्स बी क्लोजर इज कंटेन इन एफ इनवर्स बी क्लोजर, पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट के लिए आपको करना क्या है, इंटीरियर की बात करनी है। अब इंटीरियर उठाओ, बी इंटीरियर, अब ये भी आपको पता है जैसे क्लोजर हमेशा क्लोज्ड सेट बनता है वैसे ही इंटीरियर हमेशा ओपन बनता है, तो बी इंटीरियर कैसा हो गया, ओपन हो गया। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है तो ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन होगी, तो इसकी इनवर्स इमेज दैट इज एफ इनवर्स बी इंटीरियर ओपन इन एक्स। ठीक है, और अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इंटीरियर करेंगे इस सेट का तो इसी सेट के इक्वल आ जाएगा। अब क्लोजर वाले में आपको पता है कि क्लोजर जो है वो सेट को कंटेन करता है, लेकिन इंटीरियर वाली उल्टी थ्योरम होती है, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, तो इंटीरियर सेट में कंटेन्ड होगा, मीन्स बी कंटेन्स बी इंटीरियर, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, ये बन गया। अब एफ इनवर्स ऑफ बी इंटीरियर किसके इक्वल है, एफ इनवर्स बी इंटीरियर होल इंटीरियर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम इसकी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ बी होल इंटीरियर इज कंटेनिंग एफ इनवर्स बी इंटीरियर, तो सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। कन्वर्सली में से हमने क्या करना है, दोनों में से कोई एक कंडीशन लेके चलनी है और फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है, हम वन बाय वन दोनों को लेके दिखा देते हैं अलग अलग से। ठीक है, सपोज करो फर्स्ट होल्ड करती है, फर्स्ट होल्ड करती है और बी हमने कोई क्लोज्ड सेट ले लिया, क्लोज्ड सेट है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट होल्ड कर रही है जो गिवन है, फर्स्ट हमारे पास ये गिवन है, अब बी क्लोजर बी के इक्वल है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, बी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ इनवर्स बी होल क्लोजर इज कंटेन इन एफ इनवर्स बी, बट हमें पता है हर एक सेट भी अपने क्लोजर में कंटेंड होता है, तो एफ इनवर्स बी भी कहाँ कंटेंड होगा, एफ इनवर्स बी होल क्लोजर में, दोनों इनइक्वालिटीज से क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी होल क्लोजर इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी, मीन्स एफ इनवर्स बी कैसा बन गया, क्लोज्ड बन गया, क्योंकि सेट का क्लोजर उसके इक्वल आ गया ना, तो कैसा बन गया, क्लोज्ड बन गया, तो बी क्लोज्ड सेट था उसका इनवर्स भी क्लोज्ड आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो देखो एक ही कंडीशन उठाई थी उससे फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। इसी तरह अगर हम सिर्फ दूसरी कंडीशन उठाएं, सिर्फ दूसरी कंडीशन उठा के अब उसमें ओपन इंटीरियर की बात करनी है तो ओपन सेट उठा लो, लेट बी बी यानी ओपन सेट इन वाई, ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल होगा। ठीक है,
और गिवन हाइपोथेसिस हमें ये गिवन है, इसमें बी इंटीरियर की जगह बी यूज़ कर लिया, एफ इनवर्स भी हो गया, ठीक है। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी पता है कि ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए, तो एफ इनवर्स बी होल इंटीरियर का कहाँ हो जाएगा, एफ इनवर्स बी में चला जाएगा। दोनों कंटेनमेंट से क्या आ गया, इंटीरियर इज इक्वल टू दिस। अगर ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए है तो सेट कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है, मीन्स एफ इनवर्स बी कैसा बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। तो एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन आ गई, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोजर और इंटीरियर की कुछ थ्योरम्स थी। इन थ्योरम्स को करने के लिए आपको क्लोजर और इंटीरियर के बेसिक रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है। मैं एक बारी फिर से लिख देती हूँ, क्लोज्ड सेट में क्या होता है, अगर एक सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा ओपन होगा, एक सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर हमेशा ए के इक्वल होगा, एक सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर हमेशा क्लोज्ड सेट बनेगा, ठीक है। सेट क्लोज्ड है तो वो हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन्ड होगा, कि ये वाली थ्योरम्स मेन आपको याद रखनी है। इसी तरह इंटीरियर की बात आती है, अगर एक सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल होगा, ठीक है। और ए इंटीरियर ऑलवेज ओपन होता है। लास्ट वाली क्या होगी, जैसे यहाँ ए कंटेनिंग ए इंटीरियर होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। तो ये आपको जो तीन चार मेन रिजल्ट्स क्लोज्ड के हैं, तीन चार आपके पास ओपन के हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर ये आते हैं तो इन थ्योरम्स को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ईजी थ्योरम्स हैं। फिर भी अगर इन थ्योरम्स में किसी को कोई डाउट आता है तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हो।